जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एकेडमी। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली है असम राइफल की। असम राइफल थर्ड चॉइस क्यों नहीं देते ज्यादातर लोग, आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे, बहुत ही रेयर केस मिलेंगे जो असम राइफल को फर्स्ट चॉइस देते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या आपकी फर्स्ट चॉइस असम राइफल है या आपने भी फर्स्ट चॉइस असम राइफल नहीं दिए, तो क्या आप नुकसान होगा, क्या फायदा होगा असम राइफल फर्स्ट चॉइस देने वालों को और नहीं देने वालों को, इस वीडियो में ये सारी बातें मैं क्लियर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ एक बात बताऊं दोस्तों कि आप SSGD की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एप्लीकेशन है कमांडो एकेडमी के नाम से, जहां पर मात्र 150 रुपये में आपको SSGD का संपूर्ण कोर्स रिकॉर्डेड मिल जाएगा, यानी पूरा का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो साथ में PDF फाइल सब मिल जाएगी। ठीक है, मात्र 150 रुपये में कमांडो बैच के नाम से। और अगर आप लाइव बैच में जुड़ना चाहते हैं तो उसका नाम है लक्ष्य बैच, और 299 रुपये भी आप ले सकते हैं। साथ में हमारी टेस्ट सीट यानी मॉक टेस्ट आप देना चाहते हैं तो कमांडो एकेडमी के एप्लीकेशन पे जाके दे सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पे जाके लिखना है कमांडो एकेडमी। ठीक है, अगर आप ऐसे जीटी की तैयारी कर रहे हैं लाडलो, तो एक चीज और मैं बता दूं कि आपके पास में अगर गाइड बुक अगर आपने अभी तक नहीं लिए तो आप ये एग्जाम कार्ड की गाइड बुक है, बहुत ही शानदार गाइड बुक है एग्जाम कार्ड की। ठीक है, ऑल इन वन, यानी सभी सब्जेक्ट के लिए पूर्ण नए सिलेबस पर आधारित है, यानी इस बार जो सिलेबस आया उस पर अकॉर्डिंग ये बुक बनाई गई है, जिसमें SSGD का आपको ऑल इन वन यानी सभी सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, UK हर एक सब्जेक्ट का आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट की आप तैयारी कर सकते हैं इसके माध्यम से। आप आसपास की कोई शॉप पे मिलती है वहां से ले लीजिए, नहीं तो मैंने अमेजन का लिंक दे दिया नीचे, अमेजन पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं, इसकी ट्रेडिंग नंबर 1 है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जो असम राइफल है वो उसकी फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं देते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या रीजन है कि असम राइफल की जो ज्यादातर लोग है फर्स्ट चॉइस नहीं देते। एक चीज मैं आपको एक यहां पे एक चीज और बता रहा हूं मैं लाड लो कि अगर आपको भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान इनके नोट्स चाहिए, यानी पूरे के पूरे नोट्स वो आपको कमांडो एकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। लगभग 2000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे लाडलो, कितने 2000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे उधर। ठीक है, 2000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इन तीनों के आपको कमांडो एकेडमी एप्लीकेशन पे नोट्स मिल जाएंगे लाडलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है SSGD के लिए। अब मैं बताता हूँ कि असम राइफल यानी AR फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं देते, उसके पीछे क्या रीजन है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, असम राइफल के बारे में 80% जो युवा है यानी जो SSGD की तो अभी तैयारी कर रहे हैं, इनको वास्तविक जानकारी नहीं है कि असम राइफल वास्तविक ओरिजिनल इसकी क्या सिचुएशन है, किस प्रकार से ड्यूटी करती है, क्या इसकी ड्यूटी है। दूसरा, एक तो जानकारी नहीं है और इसकी जो फर्स्ट चॉइस जो देते हैं ये 20% जो लोग हैं जिनकी फर्स्ट चॉइस मान लो असम राइफल जो देते हैं, उसका रीजन क्या है कि ये सारे के सारे आर्मी में जाने वाले बच्चे हैं जो गलती से आर्मी में ना लगे किसी कारणवश, यानी जो देश की आर्मी की वर्दी को पसंद करते हैं या जिनको आर्मी में जाने का जुनून है लेकिन किसी कारण एज ओवर होने के कारण या किसी कारण से मेडिकल में पिछड़ गए, तो इस वजह से असम राइफल फर्स्ट चॉइस देते हैं। बाकी 80% लोगों को नहीं पता कि असम राइफल की ड्यूटी क्या होती है, ये एक रीजन है। दूसरा, कुछ लोग ऐसा भी जानते हैं कि बाकी जितने भी फोर्सेस है उससे ट्रेनिंग इसकी हार्ड होती है, कुछ लोग ये बात जान के भी असम राइफल फर्स्ट चॉइस नहीं देते, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग सीधी सी बात है कि आर्मी के अंडर में होती है। असम राइफल एकमात्र पैरामिलिट्री फोर्स है, आप ध्यान रखिए, असम राइफल मात्र एक पैरामिलिट्री फोर्स है। कौन सी फोर्स है? पैरामिलिट्री एकमात्र फोर्स है असम राइफल, ये ध्यान रखना। एकमात्र फोर्स कौन सी है? पैरामिलिट्री जो फोर्स है, बाकी से भी क्या है? सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस है, जबकि ये पैरामिलिट्री फोर्स है। इसमें जितने भी ऑफिसर होती है, जितने भी ऑफिसर रैंक होती है इसमें, वो सब किसके होते हैं? आर्मी के होते हैं। इसकी ट्रेनिंग भी आर्मी के अंडर में होती है। हाँ, इसका जो बजट होता है, इसकी जो पेमेंट सैलरी होती है, वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है, यानी वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। पेमेंट बाकी फोर्सेस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक तो CDS कैंटीन सुविधा मिल जाती है, एक आर्मी में जो लगने का जुनून है वो मिल जाता है। लाडलो, अगर आपने फर्स्ट चॉइस असम राइफल नहीं दी तो आप दे सकते हैं, असम राइफल बहुत ही शानदार गजब की जॉब है। एक तो अगर आप में आर्मी का जाने का सपना तो बहुत ही अच्छी बात। दूसरा, कि आपको आर्मी की वर्दी पहनने मिल जाएगी, CDS जैसी कैंटीन सुविधा मिल जाएगी आपको, बाकी सब में CPC कैंटीन सुविधा मिलती है। तो CPC और CDS में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, CDS मिलती है आर्मी को, इसमें क्या होता है GST नहीं लगता, जो 18% GST है ना वो माफ होता है, जबकि इसमें 18% GST लगता है। रिस्क अलाउंस इसमें कई आर्मी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। ठीक है,
यानी हाई रिस्क अलाउंस, बाकी मिलते गृह मंत्रालय के द्वारा ये रिस्क अलाउंस का डिवाइडेशन या एचआरए पूरी की पूरी सैलरी किसे मिलती है? गृह मंत्रालय के द्वारा, लेकिन ड्यूटी किसके आधार पर होती है? आर्मी के आधार पर होती है। तो इसीलिए ज्यादातर लोग नहीं देने का रीजन ये है, एक तो पहले इसके बारे में जानते नहीं है, दूसरा कुछ ट्रेनिंग के डर के मारे नहीं देते कि इसकी ट्रेनिंग आर्मी जैसी होती है, हार्ड होती है। ज्यादातर एक सोच और है कि असम राइफल केवल असम यानी उन्हीं इलाकों में ड्यूटी करती है, जहां से असम हो गया, मणिपुर, मेघालय, इन्हीं इलाकों में ड्यूटी करती है असम राइफल। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। हाँ, उसका काफी हिस्सा उन इलाकों में ऑपरेशन ड्यूटी करता है आर्मी के साथ में, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी भर ही वहीं ड्यूटी करोगे। असम राइफल के और भी कई जगह कैंप है, ठीक है, केवल असम में ही नहीं, ये केवल असम की फोर्स नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स है। तो ये जानकारी भी आपके लिए जरूरी है। दूसरी बात कि असम राइफल की मैं आपको बता दूं, एक तो आर्मी की वर्दी आपको पहनने को मिल जाती है, हाँ ट्रेनिंग थोड़ी सी हार्ड होती है इसकी, इस वजह से नहीं देते। ट्रेनिंग के अलावा, ट्रेनिंग एक हार्ड होती है, उसके अलावा मान लीजिए कि ट्रेनिंग के अलावा इसकी आर्मी के ऑफिसर ही इसकी ड्यूटी करते, ठीक है, जो ऑफिसर जितने भी रैंक होते हैं किसके होते हैं? आर्मी के होते हैं। इसके जो वेतन भत्ते होते हैं, यानी जो वेतन भत्ते इसके मिलते हैं, वो मिलते हैं गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के द्वारा। बाकी फोर्सेस को भी होम मिनिस्ट्री ही गृह सैलरी देती है और इसको भी होम मिनिस्ट्री देती है, लेकिन जो आर्मी होती है इसको कौन देता है सैलरी? डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय देता है। इसके अलावा इसको जैसे सीडीएस, मैंने आपको बताया सीडीएस की कैंटीन सुविधा है, और इसकी जो ड्यूटी होती है वो भी अलग अलग पार्ट में ड्यूटी होती है, ऑपरेशनल ड्यूटी भी होती है और नॉर्मल ड्यूटी भी होती है। ऑपरेशनल ड्यूटी जैसे इसकी टोटल 40 प्लस बटालियन है, उनमें से जैसे 21-22 बटालियन जो आर्मी के अंदर अटैचमेंट ड्यूटी करती है पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में, ठीक है, बाकी कुछ अलग से ड्यूटी करती है जैसे सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के रूप में। तो इनकी वर्दी भी दो अलग टाइप की वर्दी है, आर्मी जैसी भी वर्दी है, एक खाकी है वो भी आर्मी के टाइप की असम राइफल की। तो जिन बच्चों का सपना होता है वो तो देते हैं, बाकी इसके बारे में जानकारी नहीं होने के कारण असम राइफल कम फाइट चोरी दी जाती है। बाकी असम राइफल की बहुत ही शानदार जॉब है लाड़ो, छुट्टियां भी अगर आप देखोगे तो इसमें बाकी फोर्सेस के बराबर 60 दिन EL और 15 डेज CL मिलती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें सेम है, तो अगर आपने भी असम राइफल फर्स्ट चॉइस देना है तो दे दीजिए, क्योंकि बहुत ही गजब की चॉइस है आपकी, कोई टेंशन नहीं। ट्रेनिंग थोड़ी सी हार्ड होगी, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग वैसे सभी की हार्ड होती है, ये नहीं कि असम राइफल के अकेले की हार्ड है, ट्रेनिंग सभी की हार्ड होगी। लड़कों के लिए तो इससे ज्यादा बेटर कोई जॉब होगी नहीं, और जो लड़कियां भी खुदा रखती है कि आर्मी की वर्दी पहननी है वो भी असम राइफल अपनी फर्स्ट चॉइस दीजिए, बहुत ही शानदार लाजवाब जॉब है असम राइफल की, ठीक है। लेकिन लोग नहीं देते क्योंकि इसके बारे में जानते नहीं है। बाकी इसमें जो सुविधाएं हैं वो बाकी फोर्सेस से काफी हटकर सुविधाएं हैं जो इसमें मिलती है, बाकी फोर्सेस में वो सुविधाएं नहीं है लाड़ लो, इसलिए आप इसको फर्स्ट चॉइस दे सकते हो। और एकमात्र पैरामिलिट्री फोर्स है, बाकी सब क्या है? आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस है, इसीलिए भी आप इसको चॉइस कर सकते हो। और आर्मी की वर्दी पहनने का अगर आप में जुनून है, सपना आपका आर्मी जैसा वर्दी पहनने का, तो आप असम राइफल में जाइए और बहुत ही गजब की जॉब आप करिए इसको। लाड़ लो, जय हिंद, जय भारत।